ख्रिस्तमा वाला भाइयों बहनों स्वजनों, आज 25 सितंबर समग्र धर्मसभा आज संत सियोलफ्रिड नो त्यौहार उजवे छे। तेमनो जन्म ईस्वीसन 642 में नॉर्थुम्ब्रिया राज्य में थयो हतो। सियोलफ्रिड ना प्रारंभिक जीवन विषे खास जाणवा मळतु नथी, परंतु तेमना भाई सिनेफ्रिड एक ख्रिस्ती पुरोहित हता अने तेमना कुटुंबनी ए परंपरा रही हती के तेमना कुटुंबमांथी कोईक ने कोईक युवक पुरोहित बनतो हतो। पोताना भाई सिनेफ्रिड एक ख्रिस्ती पुरोहित हता, तेमनी ए निष्ठा जोईने अने पोताना कुटुंबनी ए परंपराने आगळ धपावता संत सियोलफ्रिड एक बेनेडिक्टाइन संघमां जोड़ाई छे अने तेओ एक बेनेडिक्टाइन साधु अने पुरोहित बने छे। तेमनो स्वभाव सरळ हतो, नम्र हतो। तेमना आ स्वभावने जोईने तेमने संत बेनेडिक्टनी सेवा माटे नियुक्त करवामां आव्या। ज्यारे संत बेनेडिक्ट बीमार हता त्यारे तेमने तेमनी सेवा करी। संत बेनेडिक्टे तेमना जीवनने जोईने तेमने पोताना उत्तराधिकारी संतनी सेवा तेओ करता हता। तेमनो स्वभाव खूब ज नम्र हतो। तेमना साथी पुरोहित वेनरेबल बेड़े जणावे छे के तेओ धर्मनिष्ठामां अजोड़ हता, उत्कृष्ट माणस हता, समझदार व्यक्ति हता अने पुस्तकोनो तेओ सघन अभ्यास करता हता। आथी ज तेमणे कॉडेक्स एमियानिस बाइबल निर्माणना प्रोजेक्टमां तेमनो सी फाड़ो रहेलो छे। कॉडेक्स एमियानिस बाइबल एक सौथी जूनी बाइबलनी हसप्रद छे। तेना निर्माणमां तेमनो खूब ज मोटो फाड़ो रहेलो छे। सियोलफ्रिड जाणता हता के तेमना जीवननो अंत आवी रह्यो छे, तेथी तेमणे पोताना पद उपरथी राजीनामुं आपी दीधुं। त्यारबाद ते पोप ग्रेगरी बीजाने कॉडेक्स एमियानिस बाइबलनी एक नकल पहोंचाड़वाना उद्देश्यथी रोम तरफ प्रयाण करे छे। त्यारे लांग्रेस बर्गंडी जे फ्रांसमां आवेल छे त्यां 29 सप्टेम्बर 716 तेमनुं अवसान थयुं। तेमना अवशेषो जेरोमां स्थानांतरित करवामां आव्या हता। त्यारबाद डेनिस आक्रमण समय ग्लास्टनबरी में तेमना अवशेषों ने स्थानांतरित करवामां आव्या। आवो ख्रिस्तमा वाला भाईओ बहनों, आज आपणे संत सियोलफ्रिड नी मध्यस्थिति प्रार्थना करिए कि आपणो जीवन सरल अने नम्र बने, जेथी आपणे लोकोनी सेवा पूरा हृदयथी करी शकीए। जय ईसु, आमीन।